पूरे 2 साल का लंबा इंतजार आज होगा समाप्त जब आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि आज के मुकाबले में इतिहास तो रचा जाएगा। आज का मुकाबला 24 अक्टूबर दुबई का मैदान, आज का दिन, ये बात बिल्कुल साफ है कि जो मुकाबला जीतेंगे ना वो सुनहरे अक्षरों में इतिहास को दर्ज कराना चाहेंगे, जो हारेंगे वो इन इतिहास को थोड़ा सा खुरेचना चाहेंगे, थोड़ा सा इससे दूर भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम क्रिकेट प्रशंसक हैं, मुकाबले का हम सम्मान करते हैं, ऐसे क्रिकेट का ही, ऐसी राइवलरी का ही हम इंतजार करते हैं। और इस वीडियो का मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, मतलब मैं बनाने को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर एक्साइटेड था क्योंकि इतने सारे कंटेंट हैं, इतने सारे सेगमेंट पर बातचीत करनी है, बहुत सारे, पूरा प्रीव्यू हम यहां पर कवर करेंगे और देखेंगे कि भाई साहब मेरी अपनी प्रेडिक्शंस क्या है, इस मुकाबले से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कौन मुकाबला जीत सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो चलिए भैया बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सभी भारतीय और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी T20 विश्व कप के फैंस के लिए यह वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। खबरों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है, यहां पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बड़ी सारी इनसाइड रिपोर्ट्स, इनसाइड सोर्सेज ने यहां पर काफी कुछ डेवलपमेंट क्लेम किए हैं। पहली अपडेट यहां पर भारतीय खेमे से आई और अपडेट ये थी कि भैया कल जो ऑप्शनल ट्रेनिंग यहां पर सेशन रखा गया था, कल शाम को रखा गया था रात के आसपास, उसको हार्दिक पांड्या ने स्किप किया। जी हां दोस्तों, इसकी जब जानकारी मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया हैंडल पर दी तो आप लोगों ने मुझसे पहली बात तो ये बोला कि क्या भाई आप ये कहना चाहते हो कि हार्दिक पांड्या हमें जो है आज का मुकाबला बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वहीं पर कुछ लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दिए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो खेलते हुए नजर आएंगे, फालतू की अपडेट हमें मत दो। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब मैंने ये कब बोला था कि वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मैंने सिर्फ ये बोला था कि कल जो यहां पर ऑप्शनल ट्रेनिंग कैंप शाम को रखा गया था उसको उन्होंने स्किप किया, उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ईशान किशन भी अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने भी इसको स्किप किया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी अपडेट ही यही है कि हाल फिलहाल में विराट कोहली ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांड्या पर क्या कहना चाहोगे, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भैया हार्दिक पांड्या हमारे प्योर बैट्समैन के तरीके से खेल सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, वो गेंदबाजी नहीं करेंगे फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने बोला कि टूर्नामेंट में मतलब किसी पार्ट पर वो एक दो ओवर फेंक सकते हैं हमारे लिए टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए, लेकिन अभी तो गेंदबाजी नहीं करेंगे और एज अ प्योर बैट्समैन मैं उन्हें कंसीडर करता हूं। तो ये साफ हो चुका है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्योर बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद भी अपडेट थोड़ी से भारतीय कैंप से थी, जो कल ट्रेनिंग हमें देखने को मिली ना वहां पर हमें MS धोनी, मेंटोर सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह से बात करते हुए नजर आए, काफी कुछ उनसे उन्होंने डिस्कस किया। तो जाहिर सी बात है कुछ यहां पर गुरु मंत्र उन्हें दिया होगा जिसका आज हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रोहिटमैन शर्मा वरुण चक्रवर्ती से काफी लंबी चैट करते हुए नजर आए हैं, तो यहां पर भी कुछ खिचड़ी जरूर पकी होगी, कुछ स्ट्रेटजी तैयार हुई होगी। और क्या इसका यह मतलब है कि वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 में है, यह भी यहां पर देखने वाली बात है। और यार इसके बाद अपडेट यहां पर इन द न्यूज में पाकिस्तान कैंप से आई और भाई साहब इन्होंने थोड़ा सा डेयर दिखाया, मतलब डेयरिंग अपडेट है। मैं इंप्रेस हूं, आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड कि आपने अच्छा किया, आप डेयरिंग दिखा रहे हो, हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस चीज से। इन्होंने अपना 12 मैन स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मतलब भारत के खिलाफ इन्होंने टॉस से पहले अनाउंस कर दिया। जहां पर विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम टॉस पर अनाउंस करेंगे, उसके पहले यहां पर कोई कुछ जो है डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने 12 मैन स्क्वाड आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके का स्क्वाड है, तो यहीं से आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, उसको हम आगे चलकर यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले के पिच रिपोर्ट एंड टॉस फैक्टर के बारे में, और मेरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉस फैक्टर इस पार्टिकुलर मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है। आप कितना भी बोलो कि हम काम है, कंपोज्ड है, प्रेशर नहीं ले रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होते हैं ना तो भैया थोड़ा सा सीट की पेटी अपने आप बन जाती है। यहां पर जो है वो गर्मा गर्मा गर्मी वाला माहौल ना, गर्माहट हो जाती है। मुक्का किसके पक्ष में गिरेगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दुबई का मैदान है, नवंबर के आसपास के महीने आ रहे हैं, अक्टूबर लगभग एंड होने को है, यहां पर ड्यू गिर रही है, शबनम आ रही है, भैया शबनम अपने खेल दिखा रही है, रंग दिखा रही है। जो खिलाड़ी, जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेंगे वो चेस करते हुए जाएंगे, ये कंफर्म है, ये श्योर शॉट है। और मुझे तो ऐसा लगता है जो चेस करेगा ना उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा, मुकाबले को जीतने का एडवांटेज रहेगा। जो एवरेज यहां पर अभी हाल फिलहाल में IPL में हमें फर्स्ट इनिंग स्कोर देखने को मिला था वो 156 के आसपास था, तो अगर आपकी पहले बल्लेबाजी भी आ जाती है तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि भैया अगर हमें मुकाबला जीतना है तो 170-180 के आसपास यहां पर स्कोर करिए, तो आप कहीं ना कहीं सेफ टोटल के आसपास जाने की यहां पर कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 ऑफ द गेम के बारे में, तो भाई साहब प्लेइंग 11 को लेकर क्या अपडेट आ रही है। एक चीज जो मैं भारतीय टीम में यहां पर देखना चाहता हूं ना, वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस, यार थोड़ी सी अपडेट आई है कि ये फिट नहीं है, और ऐसे में BCCI ऑफिशियल ने बोला था कि इनको कंसीडर तभी किया जाएगा मतलब इंपॉर्टेंट मैचेस में, तो क्या ये मैच ये टीम इंपॉर्टेंट मान रही है, मस्ट विन मान रही है, ये एक देखने वाली बात है। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती अगर फिट है तो खेलेंगे, किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। टीम इंडिया में KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या फॉर श्योर खेल रहे हैं दोस्तों, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर फॉर श्योर मोहम्मद शामी होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, वरुण चक्रवर्ती या फिर रविचंद्रन अश्विन, यही एक थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा अनसर्टेंटी है, मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊंगा। अगर वरुण चक्रवर्ती फिट है तो वो खेल रहे हैं, और अगर यहां पर मैं वरुण चक्रवर्ती को फिट करता हूं अपने हिसाब से कि यहां पर आप उनको फिक्स्ड रखो, तो फिर नंबर 8 पोजीशन शार्दुल ठाकुर बनाम आर अश्विन, यहां पर एक देखने वाली बात रहेगी कि क्या टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर या फिर एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगी। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ड्यू पर, शबनम पर डिपेंड करेगा, ये रवि शास्त्री सर ने बताया था, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि दुबई में थोड़ी सी गेंदें टर्फ हो रही हैं, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, रवि अश्विन के पास एक्सपीरियंस है, ये एक यहां पर
मुझे लगता है जो सबसे यहाँ पर देखने वाली बात है ना, इसके अलावा यहाँ पर फिक्स्ड स्लॉट है, जो देखने वाली बात है वो शार्दुल बनाम अश्विन है कि टीम यहाँ पर किस खिलाड़ी के साथ जाएगी। आपको क्या लगता है किसके साथ जाना चाहिए, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो इन्होंने अपनी 12 मैन स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो इनकी प्लेइंग 11 गेस करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज या फिर हैदर अली में से कोई एक देखने को मिलेगा। इसके बाद शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, हारिस श्रॉफ एंड सहीन शाह अफरीदी। अब हैदर अली को आपने बहुत ज्यादा चांस नहीं दिया ड्यूरिंग वार्म अप गेम्स, तो मुझे लगता है मोहम्मद हफीज, उनका एक्सपीरियंस यहां पर काम आएगा इस टीम के लिए, एंड मैं पर्सनली मोहम्मद हफीज को ही पिक करूंगा। इस तरीके की प्लेइंग 11 मुझे पाकिस्तान टीम की फॉर श्योर देखने को मिल रही, कंफर्म देखने को मिल रही है भारतीय टीम के खिलाफ। और इसके बाद दोस्तों हम फाइनली बात करें आपके सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड, जिसको आप देखना चाहते हो, प्रोबो प्रेजेंट्स प्रेडिक्शंस ऑफ द गेम के बारे में। तो भाई साहब इस धमाकेदार शानदार कमाल लाजवाब मुकाबले को लेकर मेरी अपनी प्रेडिक्शंस क्या है, 3 बोल्ड प्रेडिक्शंस यहां पर मैं रखना चाहूंगा, एंड आई होप आप लोग मतलब एंजॉय करोगे। तो पहली प्रेडिक्शन यहां पर क्या है, मेरी पहली प्रेडिक्शन ये होने वाली है, मुझे लगता है दोस्तों ना कि दोनों टीमों के जो ओपनर्स हैं इसमें से ही कोई एक हाईएस्ट स्कोरर होगा इस पूरे मुकाबले को लेकर। जी हां दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो 4 ओपनर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, रिजवान, बाबर, हिटमैन शर्मा और उनके साथ केएल राहुल, इसमें से कोई एक हाईएस्ट स्कोरर इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए होने वाला है, होपफुली एज एन इंडियन फैन कि भाई वो कोई भारतीय खिलाड़ी ही हो। इसके बाद दोस्तों बात करें यहां पर दूसरी बोल्ड प्रेडिक्शन को लेकर, तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पावर प्ले में एक विकेट गिर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है दुबई के पिचेस थोड़ा सा स्लोविश साइड है, यहां पर तेज गेंदबाज आएंगे बड़ी तेजी से, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्पिनर की तरह छुट्टी हुई नजर आ सकती है, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद एक विकेट गिर जाए। ये मैं कह सकता हूं कि मुझे लग रहा है पाकिस्तान की तो गिरी जाएगी, इंडिया का थोड़ा सा तब भी डाउट है, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा थोड़ा सा, रोहित शर्मा संभल कर खेलते हैं शुरुआत में, केएल राहुल शायद अटैकिंग क्रिकेट अटैकिंग अप्रोच को अपना सकते हैं। वैसे दोनों यहां पर चाहें तो आराम से, मतलब बहुत कुछ है यहां पर कैलकुलेशन करने को, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद यहां पर ऐसा होगा कि एक एक विकेट गिरेगी, दैट्स ऑल। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करें प्रोबो प्रेजेंट्स विन प्रेडिक्शंस ऑफ द गेम के बारे में, तो ऐसा इस पर्टिकुलर मुकाबले को लेकर मेरी क्या विन प्रेडिक्शन है, प्रोबो पर जाकर मैंने क्या प्रेडिक्ट किया है। मुझे लगता है यहां पर भारतीय टीम फेवरेट है, भारतीय टीम डेफिनेटली फेवरेट है, और उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आंकड़े हैं, और उसके बाद टीम है, भैया सबसे इंपॉर्टेंट है टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। हालांकि आंकड़े बहुत अच्छे रखते हैं यूएई में ना, हारती नहीं है पाकिस्तान भैया, नहीं हारती है, लेकिन मुझे लगता है कि टीम इंडिया आर द फेवरेट्स टू विन दिस, लेकिन पाकिस्तान अच्छे क्रिकेट खेले तो डेफिनेटली हरा भी सकते हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आई एम गोना गो विद टीम इंडिया, मुझे लगता है मुकाबला जीतेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, प्रोबो ऐप पर जाकर प्रेडिक्शन करो। ऐसे बड़े सारे जो मैंने प्रेडिक्शंस की ना, ऐसे बड़े सारे वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के आपको जवाब देने रहते हैं, और भाई साहब यही तो टाइम है ना, ये मुकाबला है, भारत बनाम पाकिस्तान, इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए, फटाफट से जाकर वहां पर जवाब, हर एक सही जवाब को देने पर आपको वहां पर ढेर सारे कैश प्राइज जीतेंगे। और भाई साहब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए ना वहां पर मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करो, लेकिन भैया हमारी तरफ से ऑफर लेकर जाओ, ऑफर लेकर जाओ, ऐसे मत जाना खाली हाथ, नहीं जाने दूंगा। यहां पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है ना, यहां पर आपको एक्सक्लूसिव लिंक दी गई है, अगर आप यहां से जाकर डाउनलोड करते हो तो आपको यहां पर 25 रुपीज यानी कि 5 ट्रेड करने का ऑप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस फटाफट से आके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस जीतना स्टार्ट करो। बात करें दोस्तों इस धमाकेदार मुकाबले को लेकर 3 स्मार्ट स्टैट्स ऑफ द गेम के बारे में, तो फटाफट से बात करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं है। T20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड यहां पर देख लेते हैं, दोनों टीमों ने एक दूसरे से 8 मुकाबले खेले हैं, 7 भारत ने, 1 यहां पर मात्र पाकिस्तान जीत पाया। तो भैया लास्ट 5 मुकाबले अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो 5 में से 4 यहां पर भारत ने जीते हैं, 1 यहां पर पाकिस्तान ने वही जीता है, बहुत दूर है भैया, अभी हमारा जो पड़ रहा है ना वो बहुत ज्यादा भारी है। T20 वर्ल्ड कप में तो आप लोग को पता है कि हमने इनको 5 के 5 मुकाबले हराए हैं, धूल चटाई है, ये सच है, ये फैक्ट है, लेकिन अब क्या होगा, देखिए हालात बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, टूटने के लिए ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबर आजम ने अभी पिछली जो है रात को, पिछली शाम को बोला है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। कि भैया जो दूसरा स्मार्ट स्टैट है वो थोड़ा सा पाकिस्तान के प्रशंसकों की, पाकिस्तान टीम की उलझन और बढ़ाएगा, क्योंकि विराट कोहली ना, सिर्फ विराट कोहली नहीं रहते पाकिस्तान के खिलाफ, विराट द रन मशीन कोहली, विराट द फैंटाबुलस कोहली बन जाते हैं, इनके आंकड़े इतने बेहतर है। T20 इंटरनेशनल में 6 मुकाबले, 254 रन, 84 की एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। देखिए भैया 2 पारियां तो ऐसी रही हैं जिसमें इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है, लास्ट 3 T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ये नाबाद रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ आउट ही नहीं होते, इतने अच्छे आंकड़े जब आप कैरी कर रहे हो तो आपको पता है कि भैया विराट द रन मशीन कोहली ना ये चल गया, इनका इस खिलाड़ी का बल्ला हल्ला कर गया ना, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी यहां पर पाकिस्तान टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैट जो यहां पर डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के पक्ष में, अब देखिए हमारे पास विराट है, रोहित है, केएल है, तो इस टीम के पास भी ना भैया बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं, इनके आंकड़े भैया बोलते हैं। मोहम्मद रिजवान ने साल 2021 में T20 इंटरनेशनल में, T20 क्रिकेट में बेसिकली 1462 रन, बाबर आजम ने 1363 यानी कि 1363 रन बनाए हैं, और इनका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है, 130 प्लस का स्ट्राइक रेट रखते हैं, बहुत पिटाई की है इन्होंने, तो इनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को। वहीं पर पाकिस्तान के प्रशंसक चाहेंगे कि भैया इनका बल्ला अगर चला ना तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय फैंस भी मायूस हो सकते हैं। तो यहां पर जो स्टैट्स है भाई साहब, जो टैक्टिक्स है बेसिकली वो ये है कि पहली बात तो आप ये जान लो कि विराट द रन मशीन कोहली, आखिर मैंने आप लोग को बता दिए, रोकने का काम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। कैसे रोक सकते हो, देखिए अगर इनको रोकना है ना तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिनर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, शुरुआत में स्पिनर्स के अगेंस्ट वैसे भी इनके आंकड़े थोड़े से खराब होते हुए नजर आए हैं, आपके पास शादाब है, लेग स्पिनर है, इमाद वसीम है, आप इनको कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो, और इनके खिलाफ इनको
थोड़ा सा मतलब कंजर्व करने की या फिर विकेट चटकाने की कोशिश हो सकती है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यहाँ पर ये टीम अपना सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में जो डेफिनेटली यहाँ पर भारतीय टीम अपनाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस टीम के पास मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान है, आंकड़े आप लोग को पता है। हाल फिलहाल में फखर ने वार्म अप गेम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, इन तीनों को रोकना पड़ेगा। अगर टॉप टीम को हमने रोक लिया, जसप्रीत बूम बूम बुमराह, शुरुआत में मोहम्मद शमी आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं काम बन सकता है। एंड वरुण चक्रवर्ती को मिडिल ऑर्डर में आपको इस्तेमाल करना है, जी हाँ मिडिल ओवर्स में, बेसिकली सॉरी मिडिल ओवर्स में आपको यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को इस्तेमाल करना है, बहुत क्रूशल वो आपके लिए होंगे अगर खेल रहे हैं। फिटनेस इश्यूज है, वो सारी चीजें देखने वाली बात नहीं। आई होप आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो रही है, लेकिन जो एंटिसिपेशन है, जो इंतजार है, वो बरकरार रहेगा और मिलेंगे उस पार चलकर मिलेंगे एंड होपफुली अच्छी खबर के साथ मिले। देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है, मुकाबला लाजवाब हो इतनी हमारी यहाँ पर अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबला जीत रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर फटाफट से बता सकते हो। भैया प्रोबो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लो, और अगर आप चाहते हो भारतीय टीम मुकाबला जीते तो एक लाइक बनता है, टीम के लिए बनता है। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।